श्रील प्रभुपाद की अंतरंग इच्छा की स्थापना करना, श्रीमद् भागवत के प्रति दृढ़ विश्वास। जिस समय गुरु महाराज तेजपुर असम में प्रचार के उद्देश्य से जाते थे, उस समय श्री सुधीर बख्शी नामक एक सज्जन व्यक्ति बंगाली थिएटर में आयोजित उनकी हरि कथा का प्रतिदिन श्रवण करने आते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम गुरु महाराज को एक अलग आसन देकर उस पर बैठने की प्रार्थना करते हुए कहा था, आप अभी तक अपने सभी गुरु भ्राताओं के साथ एक ही आसन पर बैठते थे, किंतु अब आप आचार्य का कार्य कर रहे हैं तथा आपके अनेक शिष्य हैं, इसलिए कृपा एक पृथक आसन को स्वीकार कीजिए। उनकी प्रार्थना अनुसार गुरु महाराज ने सर्वप्रथम वहीं पर ही एक पृथक आसन स्वीकार किया था। एक दिन श्री सुधीर बख्शी ने गुरु महाराज से आकर कहा, मेरी माताजी बहुत समय से अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर लेटी ही रहती हैं, बहुत दिनों से कुछ खाती पीती नहीं हैं। उनकी सभी चिकित्सा परीक्षण विवरणी भी ठीक हैं, कभी चरणामृत अथवा गंगाजल देने पर ही केवल मुख खोलती हैं। मैंने उनके मंगल के उद्देश्य से गाय आदि दान की, चंद्रायन व्रत अर्थात एक मास पर्यंत किए जाने वाले इस व्रत में व्रत पालनकारी चंद्र की घटती कलाओं के अनुरूप निज भोजन की मात्रा को सामान्य से शून्य करता है तथा पुनः बढ़ती कलाओं के अनुरूप क्रमशः सामान्य करता है। भागवत की कथा भी कराई, किंतु तब भी माता का उद्धार नहीं हुआ। उनकी अवस्था देखकर मुझे अत्यधिक दुख होता है। उनकी इस अवस्था में मेरे द्वारा क्या करनी है, मुझे इसका भी पता नहीं चलता। आप कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। गुरु महाराज ने उन्हें उत्तर दिया, जो भृतक पाठक हैं अर्थात पैसा लेकर भागवत पाठ करते हैं, भागवत जीवी हैं अर्थात जिन्होंने भागवत को ही अपनी जीविका का उपाय बना लिया है, वैसे अवैष्णव के मुख से भागवत कथा को श्रवण करने से मंगल तो सुदूर पराहत होती ही है, वरन अमंगल की ही अधिक आशंका होती है। अतएव जिनका भागवत ही जीवन हो, ऐसे जगत हितकारी भक्तों से भागवत की कथा श्रवण करने से ही परम मंगल की प्राप्ति होती है। श्री सुधीर बख्शी ने कहा, तब तो आपको ही भागवत करनी पड़ेगी, अन्य ऐसा व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति मेरे 3 कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं, मेरे लिए अभी अन्य एक कार्य के लिए समय निकाल पाना संभव पर होगा नहीं। श्री सुधीर बख्शी ने कहा, तब आप ही वैसे किसी भक्त की व्यवस्था कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं अपने गुरु भ्राता श्री कृष्ण केशव प्रभु को आपके यहाँ भेज दूंगा, आप कल उन्हें आकर ले जाना। अगले दिन सुधीर बख्शी ने निर्धारित समय पर गाड़ी भेज दी। जिस समय गुरु महाराज को गाड़ी के आने का संवाद मिला, उस समय मैं उनके निकट बैठकर उनके द्वारा बोलकर लिखवाया जा रहा एक पत्र लिख रहा था। गुरु महाराज ने मुझे ही श्री कृष्ण केशव प्रभु को ढूंढकर बुलाकर लाने के लिए कहा। मैं जब उन्हें ढूंढने के लिए गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि वे पहले से ही अन्य किसी कार्यक्रम हेतु बाहर चले गए थे। जब मैंने गुरु महाराज को आकर उक्त संवाद दिया तो उन्होंने मुझे ही जाने हेतु कह दिया तथा यह भी आदेश किया कि अपने साथ 3-4 भक्तों को एवं करताल, कांसर, मृदंग तथा ठाकुर जी का चरणामृत आदि लेकर जाना। मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरे भागवत पाठ से यदि उस माता का उद्धार नहीं हुआ तो, किंतु जो हो, मैंने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। सर्वप्रथम माता जी के मुख में अपने हाथों से चरणामृत लिया, भागवत का आसन ऐसे स्थान पर लगाने के लिए कहा जिससे मेरे शब्द यथासंभव माता के कान तक पहुँचे। हमने भागवत की कथा तथा कीर्तन आदि किया और लौट आए। एक दिन के बाद ही जब माता जी के शरीर त्यागने का संवाद मिला तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा बतलाए गए अमल प्रमाण, श्रीमद् भागवत के प्रति गुरु महाराज के दृढ़ विश्वास और उनके प्रभाव का अनुभव करके मेरा गुरु महाराज के अति मर्त्य चरित्र के प्रति दृढ़ विश्वास और भी अधिक प्रबल हो गया। सेवे की प्रीति विधान के प्रति सदैव सचेत रहना।
एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा के समय गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रमोद बोधि गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विलास भारती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज के साथ सेवक सूत्र में मैं कार के माध्यम से श्री संकेत बिहारी से नंदग्राम की ओर जा रहा था। मार्ग में जाते समय कार का पेट्रोल समाप्त हो गया। मैंने मार्ग में एक टांगे की व्यवस्था करके गुरु महाराज के साथ अन्य सभी को धर्मशाला के लिए भेज दिया। जाते समय गुरु महाराज ने टांगे में बैठे बैठे ही अपने पैसे की झोली मेरी ओर फेंक दी, जिसे मैंने लपक लिया। गुरु महाराज के रवाना होने के पश्चात जब मैं कार चालक को पेट्रोल लाने हेतु झोली में से पैसे देने लगा, तो मैंने देखा कि गुरु महाराज के कक्ष की चाबी भी उसी में है। चाबी देखकर मैंने कार चालक से पूछा, आप पेट्रोल लेने के लिए क्या नंदग्राम के मार्ग से जाएंगे? कार चालक ने कहा, अवश्य ही, बस द्वारा जाने के लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। यह सुनकर मैंने गुरु महाराज के कक्ष की चाबी उसे देते हुए उससे कहा, मैं तो यहाँ कार के निकट ही खड़ा रहूँगा, आप सर्वप्रथम इस चाबी को धर्मशाला में रह रहे श्रील प्रभुपाद आश्रित श्री दीन बंधु दास बाबा जी महाराज के हाथ में देना। गुरु महाराज के टांगे के पहुँचने से पहले ही कार चालक ने वह चाबी श्री दीन बंधु बाबा जी महाराज को दे दी। जब गुरु महाराज धर्मशाला पहुँचे, तब अन्य सभी भक्त तो अपने अपने कक्ष में चले गए, किंतु गुरु महाराज चाबी के उनके पास नहीं होने की बात का अनुभव कर बिना किसी से कुछ कहे वहीं पर इधर उधर टहलने लगे। श्री दीन बंधु दास बाबा जी महाराज ने गुरु महाराज के निकट आकर कहा, महाराज आप अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरु महाराज ने कहा, गुरु भाई आज मुझसे एक भूल हो गई है, मैंने अपने कक्ष की चाबी भारती महाराज के हाथ में दे दी है। श्री दीन बंधु बाबा जी महाराज ने गुरु महाराज से कहा, महाराज भारती महाराज के द्वारा कार चालक के माध्यम से भेजी गई चाबी आपके आने से पहले ही हमारे पास पहुंच गई है। गुरु महाराज अपने कक्ष में चले गए एवं विश्राम करने लगे। संध्या के समय गुरु महाराज ने कथा में इस घटना का उल्लेख करते हुए अधम तथा उत्तम सेवकों के लक्षण बतलाए। सेवक की चित्तवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका वर्णन करते हुए गुरु महाराज ने कहा, उत्तम सेवक सब और लक्ष्य रखता है। वह किस समय किस सेवा पर चित्त को केंद्रित करना चाहिए, इसे भली भांति जानता है। सेव्य के द्वारा चाबी अथवा अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करने पर भी सेवक उसकी चिंता करके अत्यधिक उत्कंठित होकर समस्त व्यवस्था करके सेव्य की सेवा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्राण पर चेष्टा करता है। यदि उसके लिए उसे स्वयं शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट भी प्राप्त क्यों ना हो, उसकी भी परवाह किए बिना वे सेव्य का सुख विधान करके प्रसन्न ही होता है। भगवान भी सेवक की निष्कपट भावना को देखकर उसे प्रत्युत्पन्न बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह सेवा को सुष्ठ रूप से कर सके। उस दिन अनेक भक्तों ने गुरु महाराज की मेरे प्रति प्रीति संतुष्टि आदि की भावना को बतलाकर मुझे अत्यधिक लज्जित किया था, किंतु मेरे मन में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचन ही घूर्णन करने लगे, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। चैतन्य चैतामित अंत लीला 1:107। भगवान अथवा उनसे अभिन्न साक्षात हरि पद वाच्य भगवत भक्त अपने सेवक के द्वारा की गई अल्प सेवा को भी बहुत अधिक मानते हैं एवं इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि कृपा के रूप में उन्हें स्वयं तक को भी प्रदान कर देते हैं। मेरी सेवा पटुता में उनका विश्वास। मैं जब भी सीधा मायापुर से कोलकाता मर जाता था, तब धाम की छोटी से छोटी वस्तु यथा घी, छेने, केले, गोभी आदि को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक धाम में उत्पन्न वस्तु के दर्शन, स्पर्श, सेवन, वितरण आदि से अपराकृत सुख के अनुभव तथा आस्वादन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहने वाले गुरु महाराज के लिए सदैव अत्यधिक परिमाण में उपलब्ध वस्तुओं को लेकर जाता था।
मैं जब भी सीधा मायापुर से कोलकाता मठ जाता था, तब धाम की छोटे से छोटी वस्तु यथा घी, छेने, केले, गोभी आदि को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक धाम में उत्पन्न वस्तु के दर्शन, स्पर्श, सेवन, वितरण आदि से अप्राकृत सुख के अनुभव तथा आस्वादन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहने वाले गुरु महाराज के लिए सदैव अत्यधिक परिमाण में उपलब्ध वस्तुओं को लेकर जाता था। कारण, गुरु महाराज धाम की वस्तु को अत्यधिक गुरुत्व प्रदान करते थे तथा वितरण करते समय एक एक करके सभी से कहते, आज आपको धाम की अमुक वस्तु प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो रही है। आपका परम सौभाग्य कि धाम की वस्तु को आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा है कि उन्होंने किसी के माध्यम से आपके पास कृपा के रूप में यह वस्तु भेज दी है। एक बार जब मैं श्री धाम मायापुर से कोलकाता स्थित गुरु महाराज की भजन कुटीर में गया, तो मैंने पाया कि गुरु महाराज स्नान घर में स्नान के उद्देश्य से गए हुए हैं तथा उनके कक्ष में उनके सेवक श्री मदन गोपाल प्रभु भी नहीं हैं। मैं उस दिन गुरु महाराज के लिए छेना लाया था। जो हो, गुरु महाराज और उनके सेवक को कक्ष में नहीं पाकर मैं छेने को भंडारी के हाथ में दे करके शीघ्रतापूर्वक सीमेंट का परमिट लेने के लिए बाहर चला गया। मैंने गुरु महाराज के कक्ष में कुछ हस्तलिखित पत्रों को देखा, इसलिए मैंने उन पत्रों को भी डाक से भेजने के उद्देश्य से अपने साथ ले लिया। इधर दूसरी ओर जब गुरु महाराज स्नान घर से बाहर आए, तब अपने मेज पर पत्रों को नहीं देखकर उन्होंने अपने सेवक श्री मदन गोपाल प्रभु से पूछा, क्या भारती महाराज आए थे? मुझे श्री मदन गोपाल प्रभु ने भी नहीं देखा था, इसी कारण उन्होंने गुरु महाराज से कहा, मैंने तो देखा नहीं। गुरु महाराज ने जब दोपहर के प्रसाद के पश्चात मुझे देखा, मुझसे सब पूछा, जाना, तब मुझसे कहा, पहले तो पत्रों को अपने मेज पर नहीं देखकर मैं चिंतित हो गया कि इतने परिश्रम से लिखे पत्र कहीं किसी ने इधर उधर तो नहीं रख दिए। बाद में तुम्हारे विषय में मदन से पूछने पर भी जब तुम्हारे आने का कोई संधान नहीं मिला, तब तो घबरा ही गया। किंतु अब तुम्हारे मुख से पत्रों को डाक से भेज देने की बात सुनकर मैं ये कहता हूँ कि बोलने से तो करने वाले मेरे अनेक सेवक हैं, किंतु तुम्हारे जैसे अन्य कोई ऐसा नहीं जो बिना बोले स्वयं की बुद्धि उपयोग करके कोई सेवा कार्य कर सके। वास्तव में मेरी अभिलाषा होती है कि यदि तुम्हारे जैसे अन्य एक दो लोग भी मेरे पास होते, तो मैं सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु की वाणी का निरंतर कीर्तन प्रसार करके कृतार्थ होता। भगवत धाम के प्रति विशेष अनुराग। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री नवदीप धाम परिक्रमा, श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा अथवा उत्तर भारत, दक्षिण भारत आदि जहाँ कहीं पर भी गुरु महाराज गए, उन्होंने प्रणाम आदि करने के लिए स्थान के साफ सुथरे होने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार मथुरा स्थित विश्राम घाट पर अत्यधिक कीचड़ होने पर भी उन्होंने जब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब श्री रेवती रंजन चौधरी ने अपनी पत्नी को शीघ्रतापूर्वक बुलाकर कहा, आओ आओ, देखो, यही तो देखना होता है, यही तो वास्तव में लक्ष्य करने की बात है। इतना सुंदर मुखमंडल, प्रच्छन्न परिष्कार वस्त्र, तब भी धाम की महिमा तो वास्तव में अनुभव करके कीचड़ में भी प्रणाम कर रहे हैं। प्रताड़ना सहन करना। हमारे कोलकाता श्री चैतन्य गौड़े मठ के निर्माण कार्य के प्राय पूर्ण हो जाने पर एक दिन गुरु महाराज ने मुझसे कहा, मेरी इच्छा है कि हम थोड़ी दूर से मठ के गुंबज को देखें तो सही कि वह कैसे लगता है। मैंने गुरु महाराज की बात सुनकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अभी चलिए, जिस ओर से आप देखने की इच्छा करें हम उसी ओर जाकर जितनी दूर से गुंबज देखना संभव पर होगा उतनी दूर से देख लेंगे। गुरु महाराज तत्क्षणात उठकर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। हम कुछ दूरी पर स्थित एक मोड़ पर खड़े होकर अभी गुंबज को देख ही रहे थे कि पास से गुजर रहे दो चार लड़कों ने गुरु महाराज के अत्यंत सुंदर, लंबे चौड़े
लाल टक टक दिव्य कलेवर तथा मेरे उस समय के लंबे चौड़े मोटे शरीर को देखकर कहा, लोगों का खा खा कर इन्होंने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा ही बना रखा है। उनके द्वारा कही गई बात मेरे तथा गुरु महाराज दोनों के कानों में ही गई। इससे पहले कि मैं कहीं कुछ प्रतिक्रिया ना कर दूं, गुरु महाराज ने मुझसे कहा, किसी के कुछ भी बोलने पर उन्हें प्रतिपक्ष मानकर कोई प्रतिक्रिया करना उचित नहीं होता। साधु के वेश को धारण करने वाले कीर्तनकारियों को तथा प्रचारकों को श्री नित्यम प्रभु की भांति मदाई के हाथ से कलसी के लगने पर, रक्त की धार के मस्तक से प्रवाहित होने पर भी प्रेम दान की लीला को प्रकाशित करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद की भांति पोड़मा तला में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को सहन करके उनके मंगल की ही कामना करनी पड़ती है। शारीरिक यातना पड़ताड़ना ही नहीं, अपितु अस्त्रों से भी अधिक तेज धार वाली कटु उक्तियों को भी सहन करना पड़ता है। इससे अधिक कुछ नहीं कहकर केवल एक बात बोलकर ही लड़के आगे बढ़ गए तथा बात वहीं समाप्त हो गई। मैंने भी ऐसे सामान्य टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करने की निरक्तता का अनुभव किया। स्वयं के लिए कुछ भी स्वीकार ना करना। एक बार जब गुरु महाराज अमृतसर में प्रचार के उद्देश्य से गए, तब उनके साथ मैं श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, श्री घन श्याम ब्रह्मचारी आदि लगभग 20 भक्त गए थे। अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर के निर्माण कार्य में सबसे अधिक योगदान करने वाले लाला श्री विशन दास ने ही गुरु महाराज तथा हम सबके रहने की, खाने पीने आदि की समस्त व्यवस्था की थी। लाला श्री विशन दास ने हमें एक दूध वाले से मिलवा दिया तथा हमसे कहा, आप इससे सुबह शाम जितना दूध मांगेंगे ये उतना ही दूध दे जाएगा। तत्पश्चात उन्होंने हमें एक परचून की दुकान वाले से मिलाया तथा हमसे कहा, आप लोगों को जितना आटा, चावल, दाल, घी, साबुन, तेल आदि जो कोई वस्तु जितनी भी मात्रा में चाहिए हो, आप लोग निसंकोच आकर इनसे मांग लेना तथा किसी भी वस्तु में कंजूसी आदि मत करना। जब हमने ये बात गुरु महाराज को बतलाई तो उन्होंने कहा, हम लोग भिक्षुक अर्थात किसी से अपने लिए कुछ भी मांग कर लेने वाले नहीं, बल्कि साधु अर्थात सद वस्तु भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले तथा यथेच्छा लाभे संतोष अर्थात जो कुछ भगवत इच्छा से अपने आप आ जाएगा उसी में ही संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहने वाले हैं एवं उसी में ही तत्कृपा अवलोकनम अर्थात भगवान की कृपा के दर्शन करने वाले हैं। जो साधु प्रचार सेवा कार्य में रहेंगे उन्हें कभी किसी से अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रथमतः उन्हें किसी ग्रस्त के घर पर नहीं रहना चाहिए, यदि रहना भी पड़े तो अत्यधिक संयत होकर रहना चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति अपनी प्रसन्नता तथा सामर्थ्य अनुसार जो प्रदान करें उसी में संतुष्ट रहना एवं उसी में ही अपना काम चला लेना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तब फिर प्रचार सेवा कार्य हेतु चलने से पहले आश्रम की परिचालना करने वाले आश्रमी अर्थात भगवान तथा भक्तों की सेवा के उद्देश्य से वस्तुओं को संग्रह करके रखने वाले भंडारी से कुछ पैसा आदि मांगकर अपने पास रख लेना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें से ही स्वयं के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किंतु हाँ, तब भी कार्य ऐसा ही करना जिससे कि वह किसी की आंख में नहीं चुभे अथवा उन्हें लज्जित ना करें। अतएव तुम लोग दूध वाले से अथवा परचून की दुकान से कुछ भी मत लेना। हमारे पास गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से यथेष्ट वस्तुएं आ जाएंगी, किंतु उनके अतिरिक्त आप में से यदि किसी को कुछ और चाहिए तो उसके लिए मुझसे पैसे मांगकर लाने से अच्छा है। किंतु किसी अन्य से मांगकर लेना या उनके कहने पर जो चाहिए मांग लेना अथवा दुकानदार को कह दिया है उनसे ले लेना तो सचमुच में ले आना वास्तव में मेरे लिए लज्जा की बात होगी। गुरु महाराज की बात सुनकर हम में से किसी ने भी दूध वाले
अथवा परचून की दुकान वाले से कुछ भी नहीं मांगा। दूध वाला जब बहुत अधिक जोर करने लगा तब हमने 5 किलो दूध लेना स्वीकार किया, किंतु लाला विशन दास ने दूध वाले को बलपूर्वक प्रतिदिन 20 किलो दूध देने के लिए कहा। गुरु महाराज ने 20 लीटर दूध देखकर हम लोगों को डांटा। जब हमने उन्हें बताया कि हमने दूध वाले से 20 लीटर दूध देने के लिए नहीं कहा, बल्कि लाला विशन दास के कहने पर वह बलपूर्वक देकर जाता है, तब गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, तब फिर आप लोग इस दूध की प्रतिदिन खीर बना देना तथा मैं उसे भगवान को निवेदित करके संध्या के समय समस्त कथा श्रवण करने के लिए आने वाले भक्तों में बांट दूंगा। हमने प्रतिदिन उस दूध की खीर बना दी तथा गुरु महाराज ने अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक उसका वितरण किया। जब हम अमृतसर के निर्धारित कार्यक्रम को करके आगे के लिए रवाना हुए तब लाला विशन दास ने कहा, मेरे यहाँ महात्मा लोग 15 दिन तक रहे किंतु मेरा कुछ व्यय नहीं हुआ। पहले तो ये कुछ लेना ही नहीं चाहते, दूसरा देने पर भी नहीं लेते तथा तीसरा बलपूर्वक देने पर भी लोगों में बांट देते हैं, अपने लिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते। अन्य कई भ्रमणशील साधु प्राय हमसे यात्रा के लिए वस्तुओं को मांग लेते हैं, किंतु श्री माधव महाराज एवं उनके प्रचारक साधु में से किसी ने यहाँ पर रहते हुए कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। कुछ भी संग्रह करके अपने साथ लेकर जाने की बात का तो फिर कहना ही क्या। जब गुरु महाराज ने अप्रकट लीला की तब लाला विशन दास ने अमृतसर के एक समाचार पत्र में गुरु महाराज के अप्रकट होने की सूचना देते हुए लिखवाया था, मैंने अपने जीवन काल में अमृतसर में आकर कथा कीर्तन करने वाले अनेक महात्माओं के दर्शन किए, किंतु विचक्षण बुद्धि वाले होने के कारण मेरी दृष्टि से कोई भी अपनी भूल को 1000 प्रयास करके भी छिपा नहीं पाया, किंतु एकमात्र श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज ऐसे महात्मा निकले जो अमृतसर से बेदाग चले गए। मेरा तो कहना ही क्या, कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी 1000 प्रयास करके उनके चरित्र में लेश मात्र भी दोष नहीं दिखा पाया। लाला विशन दास के साथ पंजाब नेशनल बैंक के श्री मुरारी लाल वासुदेव भी गुरु महाराज का कीर्तन कथा श्रवण आदि के माध्यम से संग करते थे। उन्होंने भी अपने 4 पुत्रों के साथ गुरु महाराज की सेवा की थी तथा उनके आदर्श को अत्यधिक निकट से देखा था। गुरु महाराज के अप्रकट लीला के प्रवेश के उपरांत श्री मुरारी लाल वासुदेव के श्री रघुनाथ नामक एक पुत्र ने बाद में अमृतसर से मुंबई में स्थानांतर कर लिया। उन्होंने मुंबई में प्रचार के उद्देश्य से गए कुछ एक भक्तों को जब घर पर कुछ दिन वास के लिए बुलाया तो कुछ भक्तों ने घर में पैर रखने के साथ साथ 2 दर्जन डव साबुन तथा अन्य वस्तुओं की मांग की। तब श्री रघुनाथ ने मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज को दूरभाष अर्थात फोन के माध्यम से पूछा, महाराज जी, क्या इस नाम के भक्त लोग वास्तव में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के द्वारा प्रचार हेतु भेजे गए हैं अथवा वे स्वतंत्र रूप से इधर उधर जगत मंगल कर प्रचार का नाम करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु भ्रमण कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर जब श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ द्वारा नहीं भेजे गए हैं? श्री रघुनाथ दास ने उत्तर दिया, हमारे गुरु महाराज जी अर्थात शिला भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जब अमृतसर गए थे तब ब्रह्मचारी सन्यासी 1000 पूछने पर भी कहते थे, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और ये है कि एक के बाद एक ऐसे सामान की सूची हमें देते जा रहे हैं मानो इनके पास कुछ है ही नहीं, संपूर्णता अभावग्रस्त हैं, और उस पर भी उनका आदेश देने का स्वर भी ऐसा है मानो हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज ने प्रचार में गए लोगों को डांट लगाते हुए गुरु महाराज के आदर्श का स्मरण कराया तथा उन्हें उसका पालन करते हुए श्रीमन महाप्रभु के प्रचार कार्य को सफल बनाने हेतु उत्तम सेवा की भूमिका निभाने का परामर्श दिया। भिक्षा संग्रह
एवं मठ निर्माण का उद्देश्य एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता ही होना चाहिए। जब गुरु महाराज ने श्री नवदीप धाम परिक्रमा का श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से आयोजन किया, तब उन्हें बहुत बार लोगों से उधार लेकर परिक्रमा करानी पड़ती थी, किंतु तब भी वह लोगों से परिक्रमा करने के लिए पैसे नहीं लेते थे। जब श्री धाम मायापुर, श्री धाम वृंदावन आदि में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का अतिथि सदन बना, तब भी गुरु महाराज कभी किसी से कोई किराया नहीं लेते थे। मठ को चलाने के लिए अथवा प्रचार आदि अन्य किसी सेवा कार्य को सुष्ठु रूप से चलाने हेतु भिक्षावृत्ति को ही अधिक गुरुत्व देते थे। वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित निर्गुण भिक्षावृत्ति ही भजन के अनुकूल तथा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक वृत्ति भजन के प्रतिकूल है, ऐसा उनका मत था। गुरु महाराज कहते थे, मठ मंदिर, साधु निवास, अतिथि सदन आदि का दायित्व ग्रहण करने वालों में से क्यों तरे क्यों मरे, अर्थात कोई तरता है तथा कोई मरता है। कारण इन सभी को भजन के अनुकूल बना लेने पर व्यक्ति अनासक्त भाव से, भव बंधन से मुक्त तथा भजन के प्रतिकूल आसक्त होने पर भव बंधन में और अधिक रूप से जकड़ जाता है। परिक्रमा, भक्त निवास, अतिथि सदन, दीक्षा, विग्रह आदि के विषय में एक विचार सब समय रखना, ये व्यवसायिक नहीं होना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए नहीं होकर अन्य किसी भी उद्देश्य के होने पर वह वैश्यवृत्ति है। वैष्णव आएंगे, उनके रहने के लिए, कथा कीर्तन के उद्देश्य से बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था करने की भावना मंगल की जननी है। मैं जब तक इस प्रकार की सेवाओं में रहा, तब तक मैंने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का जितना अधिक हो सका उसका उतनी मात्रा में पूर्ण रूप से पालन किया। साधु संघ का विस्मयकारी प्रभाव। जिस समय हमारे मायापुर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के विग्रहों की स्थापना हुई थी, उस दिन श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज ने अपने हाथ से बहुत बड़ा झंब बजाते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित निम्नलिखित कीर्तन का सुमधुर कंठ से गान किया। हरि बोल बो आर मदन मोहन हेरी बोगो, ए रूपे ब्रजेर पथे चली बोगो। प्रार्थना 55:1। मैं हरि नाम का गान करते हुए एवं मदन मोहन को निहारते हुए ब्रज के मार्ग पर चलूंगा। उस दिन उन्होंने जैसा अद्भुत भाव असिक कीर्तन किया था, वैसा कीर्तन नित्य करते हुए मैंने पुनः कभी उन्हें नहीं देखा। उसी समय ही मैंने पहली बार गुरु महाराज को आनंद से हाथ उठाकर हरि बोल बोलते देखा था। वे आजकल की भांति प्रत्येक बार कीर्तन के उपरांत औपचारिकतावश हाथ नहीं उठाते थे। इस प्रकार की एक घटना अमृतसर में गुरु महाराज के प्रचार के समय में मेरे साथ भी हुई थी। मैंने हमारे गुरु भ्राता श्री भक्ति ललित गिरि महाराज के कीर्तन के समय गुरु महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री केशव प्रभु आदि के नृत्य करने के समय अज्ञात स्थान में हाथ उठाकर नृत्य किया था। मेरे गुरु भ्राता अमृतसर निवासी तथा गुरु नानक विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य श्री खैराती लाल ने जब मुझसे कहा, आपने उस दिन हाथ उठाकर बहुत नित्य कीर्तन किया, तो मैंने कहा, मैं तो कभी नित्य ही नहीं करता, वह भी हाथ उठाकर, असंभव। किंतु उन्होंने कहा, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। मैंने कहा, करो, कैसे करोगे, मैं भी देखता हूँ। जब वे उस दिन खींचे हुए बहुत से फोटो छाया चित्र लेकर आए, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि वे सत्य कह रहे थे और मुझे स्वयं ही अपने नित्य कीर्तन करने की सुध-बुध नहीं थी। मैं उस समय अपने होश हवास में नहीं था। ऐसी थी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद के अन्य आश्रयजनों के संघ की महिमा कि मेरे जैसे कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उनकी कृपा शक्ति से द्रवीभूत होकर अपने स्वभाव के विपरीत क्रिया कर बैठा तथा स्वयं जान भी नहीं पाया।
श्री हरि नाम ही एकमात्र उपाय। गुरु महाराज जब दिल्ली में प्रचार कार्य में व्यस्त थे, उस समय हमारी एक अत्यंत निष्ठावान गुरु भगनी के पति मेरठ निवासी श्री होतीलाल शर्मा आकर उनसे मिले तथा कहने लगे, मेरे पिताजी को परलोक सिधारे बहुत समय हो गया है, किंतु अभी भी मैं उन्हें घर में देखता हूँ। वे बहुत दुखी दिखलाई पड़ते हैं। मुझे बहुत से पंडितों ने बहुत कुछ बतलाया था, मैंने वह सब भी किया, किंतु कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। नारायण बलि इत्यादि भी कराई, किंतु तब भी वही स्थिति है। मेरी पत्नी पुनः पुनः मुझे आपसे कोई उपाय पूछने के लिए कहती है। आप यदि इसका कोई स्थायी व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा हो। गुरु महाराज ने उनसे कहा, आप अपने घर पर एक मास तक महामंत्र का कीर्तन करने की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने पूछा, कौन करेगा? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, आप और आपकी पत्नी हाथों से ताली बजाकर महामंत्र का कीर्तन करना। एक मास के बाद मुझसे आकर मिलना, तब बात करेंगे। अभी गुरु महाराज दिल्ली में ही थे कि श्री होतीलाल शर्मा पुनः आकर उनसे कहने लगे, अभी केवल मुझे और मेरी पत्नी को 15 दिन ही हरिनाम महामंत्र करते हुए व्यतीत हुए हैं और पिताजी का आना बंद हो गया है। आपकी कृपा से मेरा हरिनाम के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हुआ है। आप कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज ने उन्हें हरिनाम प्रदान किया। गुरु महाराज की श्री हरिनाम में अटूट श्रद्धा थी, दृढ़ विश्वास था। इसी कारण उन्होंने अन्य कोई व्यवस्था नहीं बतलाकर केवल यही व्यवस्था ही थी। अत्यधिक गंभीर सूक्ष्म विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करना। गुरु महाराज जब किसी भी मठ का निर्माण करवाते तो उसमें विग्रहों की स्थापना के समय श्रीमन महाप्रभु के विग्रह को श्री नवदीप धाम से ही मंगवाते थे। उनकी भावना थी कि श्रीमन महाप्रभु संपूर्ण जगत में उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करने हेतु श्री नवदीप धाम में आविर्भूत हुए थे, अतएव उनका श्री विग्रह वहाँ से ही आना चाहिए। एक समय गुरु महाराज ने श्री भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज तथा श्री चुन्नीलाल बाबू को श्रीमन महाप्रभु का विग्रह लाने हेतु कहा, किंतु वे कहने लगे, हमें तो विग्रह ले जाने में असुविधा है। यद्यपि मेरे विग्रह प्रतिष्ठा आयोजन में जाने की कोई बात नहीं थी, तथापि गुरु महाराज का एक टेलीग्राम आया जिसमें उन्होंने श्री भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज को अंग्रेजी भाषा में लिखा, सेंड नरोत्तम विद महाप्रभु। नरोत्तम को श्रीमन महाप्रभु के साथ भेजो। जब मैंने उस टेलीग्राम को पढ़ा तो मैं गुरु महाराज के द्वारा लिखित वचनों पर अत्यधिक गंभीर रूप से विचार करने लगा, जिसके फलस्वरूप मेरे हृदय में यह विचार प्रकाशित हुआ कि गुरु महाराज के हृदय में श्रीमन महाप्रभु का जो स्वरूप प्रकाशित हुआ, उन्होंने बाद में उसी स्वरूप के अनुरूप श्रीमन महाप्रभु के श्री विग्रह को बाह्य रूप से प्रकाशित करने हेतु दिशा निर्देश दिया। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु का विग्रह केवल मात्र कोई निर्जीव मूर्ति नहीं, बल्कि उनसे अभिन्न परम सेव्य विग्रह है। अतएव गुरु महाराज मुझे श्रीमन महाप्रभु के सेवक सूत्र अनुसार उनके साथ आने के लिए कह रहे हैं, ना कि मुझे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कारण, महाप्रभु को कहीं पर ले जाने का अधिकार किसी में नहीं। वे स्वतंत्र स्वतंत्र पुरुष हैं, स्वेच्छा से ही कहीं जाते हैं, अन्य कोई उन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता। गुरु महाराज की टेलीग्राम में लिखी हुई भाषा मुझे अत्यधिक नूतन लगी। कारण, इससे पूर्व मैंने कभी स्वप्न में भी इस प्रकार का कोई विचार ही नहीं किया था। वैष्णव सेवा करने की प्राण पर चेष्टा करना। गुरु महाराज त्यागी भक्तों को बहुत बार शिक्षा देते हुए कहते थे, त्यागी लोगों को सदैव कनक कामनी और प्रतिष्ठा की कामना से बचकर रहना चाहिए। कोई भी भगवत भजन करने के लिए आए, उसकी सहायता करनी चाहिए। माया से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति की सहायता करना भक्ति का अंग है। यदि कोई मठवासी किसी कारणवश शुद्ध होकर अपने घर चला जाए तो उसे उसके घर से पुनः आश्रम में लेकर आने का सत प्रयास करना चाहिए।
वैष्णव को सेव्य ज्ञान करने से ही हम माया के चंगुल से बच सकते हैं, अन्य किसी उपाय से नहीं। वैष्णव सेवा के बिना भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी। अतएव सदैव वैष्णव सेवा करने की प्राण पर चेष्टा करना। मठों में आयोजित किए जाने वाले उत्सवों, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री नवदीप धाम परिक्रमा अथवा दक्षिण भारत, उत्तर भारत आदि परिक्रमाओं का एक मुख्य उद्देश्य वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा का सुयोग प्राप्त करना है। वैष्णव की सेवा करना सर्वोत्तम साधन है। गुरु महाराज के आचरण, उनकी कथा तथा उनकी लेखनी में पुनः पुनः इन्हीं विचारों का पालन होता था। भजन मार्ग की प्रमुख तीन बाधाएं। गुरु महाराज अनेक बार कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद ने कनक, कामनी एवं प्रतिष्ठा को भजन मार्ग की तीन प्रमुख बाधाओं के रूप में वर्णन किया है। धन संपत्ति के प्रति लोभ को श्रील प्रभुपाद ने भजन मार्ग की प्रथम बाधा कहा है। धन संपत्ति के प्रति अभिनिवेश नहीं रखकर श्री गुरु वैष्णव भगवान के चरण कमलों में आसक्ति रखने से ही हम उत्तम अवस्था को प्राप्त करेंगे। त्यागी व्यक्ति के द्वारा भविष्य की चिंता करते हुए धन संग्रह करके रखना उचित नहीं है। श्री हरि गुरु वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से भिक्षा करने हेतु बाहर जाने वाले भक्त लोग भिक्षा की संपूर्ण सामग्री को यदि मठ रक्षक को नहीं देकर कुछ स्वयं के लिए भी रखेंगे तो इससे हरि भक्ति नहीं होगी। उनकी ऐसी क्रिया से मठ की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उनकी स्वयं की ही परमार्थिक हानि होगी। श्रील प्रभुपाद के प्रकट काल में श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, मैं तथा श्री भक्ति विलास नैमी महाराज क्रमशः भिक्षा संग्रह करने वालों में अग्रगण्य थे। मैं जब कभी विभिन्न स्थानों पर श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, श्री भक्ति रक्षर श्रीधर महाराज, श्री भक्ति हृदय वन महाराज, श्री भक्ति विचार यजावर महाराज आदि के साथ में रहता था, तब मैं उनकी आवश्यकता की वस्तुओं तो उन्हें भिक्षा के पैसे में से खरीद कर देता था, किंतु मैंने कभी स्वयं की किसी भी आवश्यकता की वस्तु के लिए भिक्षा की एक फूटी कौड़ी तक भी व्यय नहीं की। सब कुछ मठ रक्षक के पास जमा करता था। कारण मैंने श्रील प्रभुपाद से सुना था, भिक्षा की वस्तु को स्वयं के लिए व्यवहार करना दोषवा है, किंतु मठ रक्षक को सब देकर पुनः उनसे अपनी प्रयोजनीय वस्तु को ग्रहण करना ही विधि है। अपनी आवश्यकता की वस्तु मैं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता कुंजदा श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण, बाद में श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज से ही मांग कर लेता था। भिक्षा संग्रह करने वालों की चित्तवृत्ति उत्तर उत्तर इसी विचार को अधिक अधिक स्वीकार करे, इसके लिए आवश्यक है कि मठ रक्षक सभी मठवासियों के प्रति अत्यंत प्रीति युक्त हो एवं सर्वोपरि उनके परमार्थिक जीवन की सदैव चिंता करने वाला तथा स्वयं परमार्थिक विषयों को सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से अनुभव करने वाला होना चाहिए। वह उनकी आदि व्याधि में चिकित्सा तथा अन्य अन्य आवश्यकताओं की संपूर्ण व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। अतएव आवश्यकता पड़ने पर मठ रक्षक को उधार लेकर भी मठवासी की चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी कारण जब भी कोई मुझे किसी भी स्थान पर मठ के लिए भूमि इत्यादि देने की इच्छा करता था, तो मैं उनसे कहता था कि जब तक मुझे इस स्थान का दायित्व लेने में समर्थ कोई उपयुक्त आचरणशील तथा अपने चरणों की रज देकर अन्यों की मति को कृष्ण में नियुक्त करा देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक मैं स्थान को मठ मंदिर के लिए ग्रहण नहीं कर सकता। आज हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में इतने अधिक मठवासियों के होने का कारण ये है कि मैंने इस मठ के प्रारंभिक दिनों में मठवासियों की दैनिक आवश्यकताओं, उनके वास स्थान तथा अस्वस्थ होने पर अनेक बार उनकी औषधि और पथ्य आदि के लिए लोगों से ऋण मांगकर भी सब व्यवस्था की है। कभी कभी मेरे मन में आता था कि यदि मैं ऋण को चुका पाने से पूर्व ही इस जगह से चला गया तो क्या होगा, किंतु पुनः श्रील प्रभुपाद मेरे मन में ऐसी स्फूर्ति कराते कि विष्णु और वैष्णव ही हमारे सेव्य हैं। विष्णु और वैष्णव की सेवा में से यदि केवल किसी एक ही सेवा करना ही मेरे लिए संभव पर हो, तो मैं वैष्णव का ही चयन करूंगा।
यदि वैष्णव की सेवा के लिए मुझे ऋण भी लेना पड़े तो भी मैं वैष्णव सेवा के पश्चात पद नहीं होऊंगा। उनकी सेवा के उद्देश्य से लिए गए ऋण को चुका पाने से पूर्व इस जगत से चले जाने पर मैं पुनः अपने अगले जन्म में उस ऋण का शोधन करूंगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः ऋण लेकर नित्य काल के लिए वैष्णव सेवा में अत्यंत उत्साहपूर्वक रत रहूंगा। मेरी ऐसी चित्तवृत्ति सदैव बनी रहे, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इस विचार से पतित ना हूं, यही मेरी सदैव प्रार्थना रहे। श्रील प्रभुपाद कामनी को भक्त मार्ग की अद्वितीय बाधा कहते थे। कामनी कहने से पुरुष के लिए स्त्री तथा स्त्री के लिए पुरुष को समझना चाहिए। इंद्रियों को वशीभूत करने में असमर्थ व्यक्ति को वैदिक रीति अनुसार विवाह इत्यादि करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए भी उपकुर्वन अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की क्रिया का शास्त्र अनुमोदन ही करते हैं। ब्रह्मचारी को श्री गुरु एवं ज्येष्ठ वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने में असमर्थ हूँ एवं त्यागी जीवन व्यतीत करने में संपूर्णतया अयोग्य हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ग्रस्त आश्रम में जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। किंतु सन्यासी के लिए यह संपूर्णतया निषेध है। जो सन्यासी त्यागी जीवन का त्याग करता है वह वांतसी अर्थात उल्टी करके पुनः उसे खाने वाला कहलाता है। वैदिक रीति अनुसार विवाह नहीं करके अवैध रूप से स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से कामनी का संग त्यागी व्यक्ति के लिए अत्यंत भयावह है। जिसकी हरि भक्ति करने की अभिलाषा है उन्हें हमारे पूर्व आचार्यों के वचनों को पुनः पुनः श्रवण कर इसके प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रमणी जन संग सुखम च सखे चरमे भयदम पुरुषार्थम हरम। श्री गोद्रुम चंद्र भजन उपदेश तृतीय। हे सखे, स्त्री के संग से प्राप्त होने वाला सुख अंत में भयावह एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात परम पुरुषार्थ का हरण करने वाला है। श्री जगदान पंडित स्वरचित प्रेम विवर्त 7:12 में लिखते हैं, यदि चाहो प्रणय राखी तो गौरंग सने छोटा हरिदासिर कथा ठाको जेनो मने। यदि तुम्हारी श्री गौरंग के प्रति प्रेम बनाए रखने की अभिलाषा है तो छोटा हरिदास के प्रसंग को सदैव स्मरण रखो। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8:24 में श्री कवि कर्णपूर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विलाप का इस प्रकार से वर्णन किया है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिगम सब भव सागरस्य संदर्शनम विषयंतम योषितंच हा हंत हंत विश्व भक्षण अतोप्य साधु। हाय, जिसकी भवसागर से पार होने की संपूर्ण रूप से इच्छा है ऐसे भगवत भजन उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों के लिए विषय दर्शन और स्त्री दर्शन विष खाने की उपेक्षा भी बुरा है। तथा इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित है, तमो द्वारम योषिति संगी संगम, श्रीमद् भागवतम 5:5-2। स्त्री संग लोलुप व्यक्ति का संग गहन अंधकार अर्थात नरक का द्वार है। श्री कृष्णदास कविराज ने श्रीमद् महाप्रभु के वचनों को इस प्रकार से उद्धृत किया है, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण देखिते न पारो अमी तहार वदन, चैतन्य चरितामृत अंतलीला 2:117। वैरागी होकर स्त्री से संभाषण अर्थात भोगमय बुद्धि से बातचीत करने वाले का मैं मुख नहीं देख सकता। खुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया इंद्रिया चराए बोले प्रकृति संभाषिया, चैतन्य चरितामृत अंतलीला 2:120। अनाधिकारी जीव मरकट वैराग्य ही करते हैं तथा इंद्रियों के वशीभूत होकर प्रकृति अर्थात स्त्रियों के साथ संभाषण करते हैं। हमें इन सब श्लोकों एवं इन जैसे अन्य श्लोकों का पुनः पुनः श्री गुरु वैष्णव की व्याख्या अनुसार श्रवण करके उसका दृढ़ चित्त से पालन करना चाहिए। वैष्णव का यथार्थ संग करने पर ही कामनी से रक्षा संभव पर है। इसी कारण
श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वरचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, किवा वा करिते पारे काम क्रोध साधके रे, यदि है साधु जनार संग। यदि किसी साधक को साधु के संग की प्राप्ति होती है तो काम क्रोध उस पर अपना क्या प्रभाव डाल सकते हैं। हरि भक्त के पथ की तीसरी तथा सबसे प्रमुख बाधा प्रतिष्ठा है। कनक तथा कामनी का संग करने वाले से प्रतिष्ठा कामी को पहचानना अत्यंत दुष्कर कार्य है। जब तक कोई स्वयं इस कामना से मुक्त ना हो तब तक उसके लिए अन्य किसी प्रतिष्ठा रहित साधु को पहचान पाना तथा प्रतिष्ठा कामी और प्रतिष्ठाशाहीन व्यक्ति में पार्थक्य कर पाना कदापि संभवपर नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4.146 में श्रील कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया है, प्रतिष्ठार स्वभाव ए जगते विदित, जे न वांछे तार है विधाता निर्मित। यह सर्व विदित है कि विधाता के विधान से प्रतिष्ठा का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो इसकी कामना नहीं करता यह उसी को प्राप्त होती है। मनी मन में प्रतिष्ठा की कामना रखकर भजन करने वाले व्यक्ति को भी कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। जे चाहे से पाए ना, जे पाए से चाहे ना, अर्थात जो चाहता है उसे प्राप्त नहीं होती तथा जिसे प्राप्त होती है वह उसे चाहता नहीं। यह उक्ति ही साधक के हृदय की भावना को मापने की कसौटी है। श्रील प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा की तुलना बाघनी से की है। बाघनी अपने शिकार को जिस प्रकार बिना चबाए पूरा ही निगल जाती है, उसी प्रकार प्रतिष्ठा की कामना वास्तव में साधक के परमार्थिक प्राणों अर्थात शरणागति को पूर्णतया निगल जाती है, अर्थात साधक उशृंखल बनकर जीवन यापन करने लगता है। निज मंगल के इच्छुक साधक को कनक कामनी तथा प्रतिष्ठा की आशा का दृढ़ता पूर्वक त्याग करना चाहिए। उन्हें लेश मात्र भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, समादर नहीं करना चाहिए। कारण ये समस्त कामनाएं अनित्य अमंगल स्वरूप तथा जीव की सेवा प्रवृत्ति के सपूर्णता विपरीत है। प्रत्येक साधक को फल्गु वैराग्य एवं युक्त वैराग्य के मध्य अंतर की समझ होनी चाहिए। स्मरण रखो, प्रत्येक उज्ज्वल वस्तु सोना नहीं होती, भगवान ही सबके पालन करता। गुरु महाराज के श्री हरिदास नामक एक बंधु थे जो कभी कभी गुरु महाराज के मठ में योगदान से पूर्व के किराए वाले घर में उनके साथ बैठकर कीर्तन किया करते थे। गुरु महाराज ने कोलकाता में कुछ समय रहने के पश्चात संपूर्ण रूप से गौड़िया मठ में योगदान दिया। वहां से श्रील प्रभुपाद के निर्देश अनुसार वे प्रचार पार्टी के साथ मद्रास चले गए तथा वहां का प्रचार कार्य संपन्न होने पर कोलकाता वापस आए। एक बार श्रील प्रभुपाद की कथा हेतु कोलकाता विश्वविद्यालय के दरभंगा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी उपलक्ष्य में गुरु महाराज ने अपने बंधु श्री हरिदास को भी श्रील प्रभुपाद की कथा श्रवण करने के लिए साथ में जाने के लिए कहा, किंतु श्री हरिदास ने उत्तर दिया, आपके पीछे तो कोई क्रंदन करने वाला नहीं है, कारण आपने विवाह नहीं किया, आपकी कोई संतान आदि नहीं है। किंतु मैंने तो विवाह किया है, मेरी पत्नी है, संतान है, मुझे तो उनका पालन करना है। मैं यदि उनके पालन की चिंता नहीं करूंगा तो अन्य कौन करेगा, वे कैसे अच्छे से पालित होंगे। आपके साथ कथा सुनने हेतु आने जाने में समय व्यय होगा, इसकी उपेक्षा यही समय यदि मैं अपने परिवार के लिए काम करके धन अर्जन करने में लगाऊं तो अच्छी तरह से उनका पालन कर पाऊंगा। गुरु महाराज ने उस समय उन्हें कुछ भी नहीं कहा तथा स्वयं ही श्रील प्रभुपाद की कथा सुनने हेतु चले गए। कुछ समय के पश्चात उन्हें अपने बंधु तथा गुरु भ्राता श्री नारायण मुखर्जी के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि कार दुर्घटना में श्री हरिदास की मृत्यु हो गई है। समय के फेर से जब गुरु महाराज ने कोलकाता में श्री चैतन्य गौड़िया मठ की स्थापना की तब उन्हीं श्री हरिदास का पुत्र गुरु महाराज के दर्शन के लिए आया। उनकी अत्यंत श्रद्धा सहित की जा रही प्रणाम आदि क्रिया को देखकर गुरु महाराज ने उनसे उनका परिचय पूछते हुए कहा,
आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं आपके बंधु श्री हरिदास का पुत्र हूँ। परिचय सुनकर गुरु महाराज ने उनसे उनके घर परिवार कार्य आदि के विषय में भी सब जानकारी ली तथा अंत में उन्हें प्रसाद आदि देकर तृप्त किया। उनके जाने के बाद गुरु महाराज ने हम लोगों को उपलक्ष्य करके शिक्षा देते हुए कहा, हरिदास कहता था कि वह इनका पालन नहीं करेगा तो अन्य कौन करेगा। देखो, उसके नहीं रहने पर भी इनका पालन तो हो ही गया है ना। किसी के रहने नहीं रहने पर भी पढ़ना लिखना पालन होना इत्यादि भगवान के द्वारा ही होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। प्रकृतेः क्रियमाणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्त्यामिति मन्यते। श्रीमद् भगवद गीता 3:27। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। इस भौतिक जगत के हमारे एकमात्र कर्तव्य से विचलित मत हो। जब गुरु महाराज मठ में ब्रह्मचारी थे, वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण से मिले, जो कि 1962 ई में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के राष्ट्रपति बनने से पूर्व मद्रास अर्थात चेन्नई में गौड़ीय मठ के प्रतिनिधित्व में अद्वैतवादी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा द्वैतवादी डॉक्टर नागराज शर्मा के मध्य होने वाली विचार वार्ता सभा में गुरु महाराज को सभापतित्व स्वीकार करने के लिए मनोनीत किया गया था। स्वयं को इस पद के अयोग्य मानकर एवं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से सभापतित्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। जब डॉक्टर राधा कृष्ण भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचित हुए, तब उन्होंने गुरु महाराज को अपने निवास राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। उस समय गुरु महाराज मुझे तथा मेरे गुरु भ्राता श्री मंगल निलय ब्रह्मचारी को अपने साथ ले जाकर उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति भवन गए तथा गुरु महाराज ने उन्हें देश के सुचारू नेतृत्व हेतु परमार्थिक उपदेश भी प्रदान किए। डॉक्टर राधा कृष्णन गुरु महाराज को स्वागत करके द्वार से भीतर तक ले गए। मार्ग में डॉक्टर राधा कृष्णन ने कथोपकथन में वैराग्य सूचक एक श्लोक का उच्चारण किया। बाद में उन्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद तथा प्रसादी माला देने के उपरांत गुरु महाराज ने उसी श्लोक को आधार बनाकर उन्हें शुष्क वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य तथा युक्त वैराग्य आदि के विषय में बतलाया। गुरु महाराज ने वैराग्य शब्द के गौण विगत राग तथा मुख्य विशिष्टे परम पुरुषे राग अर्थों की भी व्याख्या की तथा बतलाया, पूर्व वर्णित वैराग्य की केवल स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति ही प्रशंसा करते हैं, किंतु महाजन परम पुरुष भगवान में अनुराग होने के कारण स्वाभाविक रूप में होने वाली अनासक्ति अर्थात वैराग्य के ही पक्षपाती हैं। अपनी इंद्रियों को बाहर से वशीभूत करने से कोई भक्त नहीं बन जाता। यदि ऐसा होता तो इस संसार के कई पुरुषत्वहीन व्यक्ति महान भक्त बन गए होते। इंद्रियों को वशीभूत करने का कोई महत्व नहीं जब तक श्री गुरु श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी के प्रति प्रीति आसक्ति ना हो। वास्तव में कृष्ण प्रीति ना हो तो वैराग्य बनावटी एवं असत्य होता है। दूसरी ओर जिनकी भगवत सेवा में रुचि है वे स्वाभाविक रूप से वैरागी हैं, क्योंकि वे कृष्ण सेवा रूपी उत्कृष्ट रस को अनुभव कर निकृष्ट रस को त्याग देते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता 2:59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देह अभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इंद्रियों को विषय से निवृत्त कर देने से भी विषयों की अभिलाषा की निवृत्ति नहीं होती। क्या उपवास करने से किसी की खाने की अभिलाषा की निवृत्ति हो जाती है? परंतु जब कोई व्यक्ति उत्कृष्ट रस को अनुभव करता है तो स्वाभाविक रूप से निकृष्ट रस को त्याग देता है। श्री कृष्ण सेवा से प्राप्त होने वाले आनंद के समक्ष भौतिक संसार से प्राप्त सुख तुच्छ है। इसी कारण श्रीमद् भागवतम 7:1-32 में श्री नारद ऋषि श्री युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं, तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, अर्थात किसी भी उपाय से अपने मन को कृष्ण में लगा दो। यह सिद्धांत युक्त वैराग्य का मूल है, जो कि वैराग्य का एकमात्र वास्तविक उपयुक्त स्वरूप है। गुरु महाराज के मुखोद्गीर्ण वचनों को श्रवण करके डॉक्टर राधा कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से आभार प्रकट करते हुए प्रणाम किया। डॉक्टर राधा कृष्णन और गुरु महाराज के साथ मेरी और श्री मंगल नीले ब्रह्मचारी की बहुत सी फोटो थी, किंतु मैंने अपने स्वभाववशतः उन्हें कभी संभाल कर नहीं रखा, किंतु मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे अभी भी कहीं ना कहीं पर होंगी। राष्ट्रपति भवन से बाहर आते समय गुरु महाराज ने हम लोगों से कहा, हम लोग यहाँ पर अतिथियों एवं पर्यटकों की भांति राष्ट्रपति भवन, उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, कैसे बना हुआ है, इन सब वस्तुओं को देखने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी भी स्थान पर क्यों ना जाएं, हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान का नाम कीर्तन कथा ही है। अन्य कोई भी उद्देश्य हृदय में आने पर, यहाँ की वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने पर हमारा कभी भी मंगल नहीं होगा। कहीं पर भी किसी भी वस्तु को देखकर सदैव मन में यही विचार आना चाहिए कि ये स्थान, यहाँ की वस्तुएं, संपूर्ण जगत सब कुछ अनित्य एवं अमंगल स्वरूप है। मंगलमय भगवान का नाम कीर्तन स्मरण इत्यादि ही मंगलमय है। जिस किसी प्रकार से देह यात्रा सहज रूप में हो जाए, उसी प्रकार से अपने समय को व्यतीत करते हुए अपना मुख्य केंद्र बिंदु एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की सेवा, उन्हीं से प्रीति, उनका सुख विधान ही होना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। संबंध ज्ञान स्थापित करने का महत्व। एक बार गुरु महाराज से माई हीरा गेट जलंधर में एक माता जी ने कहा, महाराज मैं अपने अविवाहित काल से ही नित्य प्रति मंदिर में आ रही हूँ, और अभी भी जबकि मेरे नाती पोते आदि हो गए हैं, मैं पूर्व की भांति ही नित्य प्रति मंदिर में आती हूँ। मैंने अकारण कभी भी मंदिर जाने के अपने नियम की अवहेलना नहीं की, किंतु इस वृद्ध अवस्था के उपस्थित होने पर भी, मेरा मन इच्छा करने पर भी एक मुहूर्त के लिए भी भगवान का स्मरण करने में मेरी कोई सहायता नहीं करता। दूसरी ओर मन में नाती पोतों के कल्याण एवं सुखी भविष्य के लिए चिंता एवं सतत स्मरण अनायास बिना किसी प्रयास के स्वतः ही होता रहता है। आप मेरे मन की इस कुदशा पर कुछ प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तथा मेरी इस अवस्था से उद्धार हेतु उपाय प्रदान कीजिए। गुरु महाराज ने एकाग्रता से उस माताजी के प्रश्न को सुनने के पश्चात कहा, आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है। यह प्रश्न तथा इसका उत्तर सभी को श्रवण करना चाहिए, इसलिए उसका उत्तर मैं कल सभा में दूंगा। अगले दिन गुरु महाराज ने सभा में उस माताजी के प्रश्न को दोहराया तथा सभी उपस्थित सज्जनों के मंगल हेतु उस माताजी को उपलक्ष करके कहा, माताजी आप इतने लंबे समय से मंदिर में तो आ रही हैं, किंतु क्या आपने आज तक कभी भी इस बात पर विचार किया है कि इस मंदिर के अधिष्ठात्री देव श्री राधा गोविंद जी के साथ आपका क्या संबंध है? माता जी ने निष्कपट उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने तो इस विषय में कभी सोचा तक भी नहीं। तब गुरु महाराज ने कहा, क्या कभी संबंध को जाने बिना किसी की अन्य किसी से प्रीति हो सकती है? संबंध को जानने पर ही हृदय में उसके अनुरूप प्रीति उमड़ कर आती है। संबंध नहीं होने पर केवल गतानुगतिक रूप से अभ्यास वशतः
मंदिर में जाने मात्र की क्रिया द्वारा किसी का भी मन भगवान में नहीं लग सकता। मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्यो विपद्येत गृहव्रतानां अदंत गोबीर विशतम तमस्रिं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम श्रीमद्भागवतम 7:5-30। बालक प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगो हुए विषयों को ही बारंबार भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह असक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। इस भौतिक जगत में भी यह सर्वविदित है कि स्नेहयुक्त सेवा के द्वारा ही प्रिय व्यक्ति के प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है, चाहे वह एक जननी की स्वजनित पुत्र के प्रति हो, अपने गोद लिए हुए पुत्र के प्रति हो, अथवा एक मालिक की अपने पालतू कुत्ते के प्रति हो। जीव का भगवान के साथ नित्य सेवक रूप से संबंध है। इसी संबंध के विस्मृत हो जाने अथवा इसके अनुरूप क्रिया नहीं करने से भगवान की बहिरंगा शक्ति जीव को संसार रूपी दुख प्रदान करती है। उसी के फलस्वरूप जीव अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते सुदुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करता है। किसी पूर्व संचित सुकृति के बल से एवं भगवान की कृपा से उसका उन्हीं के किसी निज जन से साक्षात्कार होता है तथा इस संघ के फलस्वरूप ही वह मैं कौन हूँ, भगवान कौन है एवं भगवान से मेरा क्या संबंध है, इस वास्तविक सत्य का ज्ञान लाभ करता है। तब भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उसके हृदय में जागृत होती है। पुनः जीव गुरुदेव से सेवा वासना रूपी भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर जब उसे मालिक के रूप में अपने हृदय में रोपण करता है तथा श्रवण कीर्तन रूपी जल के द्वारा उसका सिंचन करता है, तब उसकी भक्ति लता के वर्धित होने के अनुरूप उसकी भगवान के प्रति प्रीति वर्धित होती जाती है। संबंध सहित प्रीतिपूर्वक सेवा करने के फलस्वरूप ही भगवत प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है, अन्यथा केवल मात्र मंदिर में आकर अपनी इच्छा अनुरूप दर्शन कर लेने एवं आकर चले जाने मात्र से लाखों जन्मों तक भी भगवान के प्रति हृदय में प्रीति प्रकाशित नहीं होती। ग्रहण करने से पूर्व प्रदान करने का आदर्श। श्री गुरु महाराज जिस किसी भी स्थान पर प्रचार के उद्देश्य से जाते थे वे अपने साथ सदैव जल लेकर जाते थे। गंतव्य स्थान पर पहुंचते ही वे कथा कीर्तन इत्यादि प्रारंभ कर देते थे तथा उसके पश्चात ही आयोजक गण के द्वारा परोसी गई किसी वस्तु को ग्रहण करते थे, अन्यथा नहीं। यदि कहीं पर जाकर किसी कारणवश सर्वप्रथम हरि कथा कीर्तन इत्यादि का सुयोग नहीं मिलता था और उसी बीच यदि उन्हें प्यास लगती तो वे अपने साथ लाए हुए जल को ही ग्रहण करते, आयोजक के द्वारा दिए गए जल को नहीं। वे कहा करते थे, हम भक्त हैं और हमारी संपत्ति एकमात्र श्री हरि गुरु एवं वैष्णव हैं। यदि हम आयोजक को हरि कथा कीर्तन के माध्यम से सर्वप्रथम श्री हरि गुरु वैष्णव प्रदान नहीं करेंगे तब इनके द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से हम इनके ऋणी बनेंगे। श्रील प्रभुपाद ने निज आचरण द्वारा ये अति विशिष्ट शिक्षा हमें प्रदान की है कि एक बार जब वे कासिम बाजार के राजा के निमंत्रण पर वहाँ हरि कथा परिवेशन के उद्देश्य से गए परंतु 3 दिन तक हरि कथा करने का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने पूर्णतया उपवास किया एवं केवल मात्र एक तुलसी के दल को ही ग्रहण किया। श्री रूप गोस्वामी ने भी स्वरचित उपदेशामृत श्लोक संख्या 4 में ददाति अर्थात पहले देना और तत्पश्चात प्रतिगिन्नाति अर्थात ग्रहण करने का विचार ही प्रदर्शित किया है। साधु सेवा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। एक बार कुंभ के समय मैं गुरु महाराज के साथ हरिद्वार गया था। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आया, गुरु महाराज अपने कक्ष से बाहर निकले एवं उन्होंने मुझसे कहा,
मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ में जा सकते हो? यद्यपि मैं स्नान करके आ चुका था, तब भी उनके कहने पर उन्हें अपने पूर्व में किए गए स्नान के विषय में ना बतलाकर मैं जाने के लिए प्रस्तुत हो गया। मैंने अपनी बनियान तथा अन्य वस्त्रों को धोने के लिए भिगो कर रखा था, इसलिए बिना कुर्ता पहने मैं केवल धोती पहनकर ही उनके साथ चल दिया। गंगा के घाट पर एक महिला ने हम साधुओं की सेवा के उद्देश्य से मुझे नई बनियान देनी चाही। मैं लेना नहीं चाहता था, किंतु गुरु महाराज ने कहा, तुम इसे पहनो अथवा नहीं, किंतु स्वीकार कर लो, इसकी सेवा प्रवृत्ति में बाधा देना नहीं। गुरु महाराज के साथ स्नान करने के पश्चात जब हम लोग अपने पंडाल में लौट रहे थे, तब अन्य एक महिला दोने में हलवा लेकर मुझे देने के लिए आई। मैं तो अदीक्षित व्यक्ति के हाथ से कुछ लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हलवा लेने से मना कर दिया। किंतु उस माता जी ने कहा, यह पवित्र हलवा है, मैंने अपने हाथों से गाय के दूध का घी बनाया था, आज उससे ही केवल महात्माओं की सेवा के लिए इस हलवे को बनाया है। गुरु महाराज ने मुझसे कहा, ले लो। तो मैंने ले लिया। उस महिला ने गुरु महाराज के लिए भी एक अन्य दोना दिया, जिसे उन्होंने आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। मार्ग में मेरे मन में ये विचार उठ रहा था, हम लोग तो अवैष्णव के हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, गुरु महाराज स्वयं हमें ये आदर्श पालन करने का निर्देश देते हैं, और आज वे स्वयं ही ये हलवा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। अभी मेरे मन में ये बातें चल रही थीं कि गुरु महाराज ने मेरे मन की दशा को भाप कर स्वयं ही मुझसे कहा, देखो ये महिला हलवा केवल महात्मा को ही दे रही है, अन्य लोगों को नहीं। जिस किसी प्रकार की भावना से ही क्यों ना हो, बाह्यता तो वह केवल साधु सेवा ही करना चाह रही है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम साधु सेवा करने की प्रवृत्ति को वर्धित करें, उसमें बाधा उत्पन्न ना करें। अतएव उनकी सेवा ग्रहण कर उन्हें सेवा हेतु उत्साहित करना ही उचित है। तुम यदि चाहो तो इसे किसी अन्य श्रद्धावान व्यक्ति को दे सकते हो, जिन्हें साधुओं के हाथ से कुछ प्राप्त कर प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरु महाराज के वचनों को समझकर मैंने उनके आदेश का पालन किया एवं साधुओं की सेवा करने की निष्कपट भावना रखने वाले ऐसे व्यक्तियों से भेंट स्वीकार करना आरंभ कर दिया। एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य एवं गायन। एक बार गुरु महाराज अमृतसर में प्रचार के उद्देश्य से गए हुए थे तथा हरि कथा का आयोजन नमक मंडी में स्थित किसी मंदिर में किया गया था। कथा के पश्चात गुरु महाराज ने श्री कृष्ण बलराम के अत्यधिक सुंदर तथा आकर्षक विग्रहों का दर्शन किया तथा उनके दर्शन से हृदय में कृष्ण प्रेम की उद्दीपना होने के कारण जगत की सुदबुद्ध खो बैठे व्यक्ति की भांति बहुत देर तक भाव विभोर होकर नृत्य तथा गान किया। उनके महापुरुषोचित दिव्य कलेवर तथा उनकी भाव भंगिमा को देखकर उपस्थित भक्त सज्जन मंडली मंत्रमुग्ध हो गई। दूसरे दिन मंदिर के कृतु पक्ष ने हरि कथा के उपरांत गुरु महाराज द्वारा पुनः नित्य कीर्तन की अपेक्षा में अत्यधिक शीघ्रता एवं उत्साहपूर्वक अनेक बल्ब जलाए। गुरु महाराज के गत दिवस किए गए नित्य कीर्तन के स्थान को रस्सियों से घेर दिया। उनके नित्य दर्शन की अपेक्षा में सब ओर से लोग भर गए। जिन लोगों ने गुरु महाराज के नित्य कीर्तन के दर्शन किए थे, वे उसे देखने के लिए अन्य लोगों को भी अपने साथ लाए, किंतु उस दिन गुरु महाराज ने जय ध्वनि देकर ही कार्यक्रम को विराम दे दिया। सहारनपुर में भी अमृतसर जैसी उक्त घटना की पुनरावृत्ति हुई। एक दिन गुरु महाराज ने अति आनंद में भरकर नित्य कीर्तन किया। अगले दिन सर्वत्र प्रचार हो गया कि नित्य परम रमणीय एवं दर्शन करने योग्य है। इसी कारण अगले दिन अनेक लोगों का समागम हुआ। जब गुरु महाराज को बताया गया कि आज अधिकांश लोग आपके नित्य का दर्शन करने के लिए आए हैं, अतः आप कार्यक्रम का आरंभ नित्य कीर्तन से कीजिए, तब उन्होंने कहा, साधु वैष्णव इत्यादि साधारण लोगों की प्रसन्नता उनके मनोरंजन के लिए नित्य कीर्तन नहीं बल्कि भगवान की सेवा के उद्देश्य से करते हैं।
लोक रंजन करने पर जगत के प्रति प्रीति अर्थात आसक्ति हो सकती है, किंतु भगवान की भक्ति नहीं होगी। उससे विवेक रहित व्यक्तियों की प्रशंसा आदि की प्राप्ति, उनसे प्रतिष्ठा रूपी शुकर की विष्ठा आदि के लोभ से किया गया नित्य कीर्तन हरि भक्ति के अनुकूल नहीं, बल्कि संपूर्ण रूप से प्रतिकूल एवं त्रयात्रिक अर्थात जड़ीय नित्य कीर्तन वाद्य यंत्रों के बजाने में ही गण्य है। श्री राम नाम हेतु समस्त जगत का त्याग। जब गुरु महाराज गुवाहाटी में प्रचार करने के लिए गए तो उन्हें अनेक भक्तों के साथ वहाँ की भाषा को जानने वाले श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी तथा श्री चिंताहरण पाटगिरी भी उनके साथ थे। श्री कृष्ण केशव प्रभु तथा श्री चिंताहरण पाटगिरी गुरु महाराज के निर्देश अनुसार असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री देशप्रिय श्री गोपीनाथ बरदलोई को गुरु महाराज द्वारा किए जाने वाले श्रीमद् भागवत पाठ के कार्यक्रम में आमंत्रित करने हेतु गए थे। उन्हें अपने निकट आया देखकर श्री बरदलोई जी ने सर्वप्रथम उनका एवं उनकी संस्था का परिचय पूछा और उनके आने का कारण जानने की इच्छा की। तत्पश्चात उनके समक्ष एक प्रश्न रखते हुए कहा, आप दोनों ने असमवासी होने पर भी असम में भागवत धर्म के प्रचारक श्री शंकरदेव श्री दामोदर देव आदि की विचारधारा को नहीं ग्रहण करके बंगाल के श्री चैतन्य देव की धर्म नीति को ही क्यों स्वीकार किया है? श्री चिंताहरण पाटगिरी के द्वारा श्री कृष्ण केशव प्रभु को उत्तर देने हेतु अनुरोध करने पर उन्होंने कहा, बरदलोई जी साहब, उत्तर देने से पहले क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आप भी तो असम के होने के साथ साथ ब्राह्मण की संतान हैं, तब भी आपने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाकर उन अंग्रेजों को गुरु के रूप में वरण करके उनसे ही शिक्षा प्राप्त करना क्यों उचित समझा, जिन्हें पैखाना करने के बाद धोना तक भी नहीं आता, जो कागज का उपयोग करते हैं, जिन्हें यहाँ तक भी नहीं पता कि हाथ भी धोना चाहिए, उनके अन्य सदाचार के विषय में तो फिर क्या कहना। दूसरी ओर नवदीप को तो भारत का ऑक्सफोर्ड ही कहा जाता है तथा हमारे असम के भी अनेक विद्वान एवं विशिष्ट व्यक्ति वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते ही रहे हैं, तो फिर हमने क्या दोष कर दिया? श्री कृष्ण केशव प्रभु की बात सुनकर श्री गोपीनाथ बरदलोई ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, मौन रह गए। श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी और श्री चिंताहरण पाटगिरी उनके वास स्थान से चल दिए। आश्चर्य की बात, उनके गुरु महाराज के निकट पहुंचने से पहले ही श्री गोपीनाथ बरदलोई गुरु महाराज के निकट पहुंच गए। कारण वे अपनी कार से तथा भक्तलोक रिक्शे से आए थे। श्री गोपीनाथ बरदलोई जिस समय गुरु महाराज के निकट पहुंचे, उस समय भक्तलोक महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन समाप्त होने के पश्चात गुरु महाराज ने कथा का परिवेशन किया तथा उसके पश्चात पुनः महामंत्र का कीर्तन हुआ। अंत में गुरु महाराज के साथ वार्तालाप करते हुए श्री गोपीनाथ बरदलोई ने उनसे कहा, आपके प्रचार की पद्धति और श्री महात्मा गांधी के प्रचार की पद्धति एक समान है। वे अपने भाषण से पहले और बाद में राम धुन करवाते थे और आप भी अपने प्रवचन से पहले और बाद में संकीर्तन करवाते हैं। श्री गोपीनाथ बरदलोई की बात का गुरु महाराज ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, मैंने कांग्रेस के मुखपत्र यंग इंडिया में श्री महात्मा गांधी का कथन आई कैन सेक्रीफाइस इवन राम धुन फॉर माई कंट्री अर्थात देश के लिए मैं राम धुन तक का त्याग कर सकता हूँ को पढ़कर विचार किया था कि गौड़ीय विचारधारा जिसका मत है फॉर नाम वी कैन सेक्रीफाइस इवन द होल वर्ल्ड वट टू स्पीक ऑफ वन कंट्री ओनली अर्थात भगवान नाम के लिए हम समस्त विश्व का त्याग कर सकते हैं, देश की तो बात ही क्या। श्री महात्मा गांधी की इस विचारधारा के वर्टिकली ऑपोजिट सर्वदा विपरीत है। कारण राम परम सत्य होने के कारण स्वयं के लिए हैं तथा समस्त पदार्थ उनकी सेवा के लिए ही है। द एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ अतएव सब कुछ उन्हीं के लिए है। पाश्चात्य दार्शनिक भी एब्सोल्यूट के विषय में कहते हैं,
द एब्सोल्यूट इज फॉर इट्सेल्फ एंड बाय इट्सेल्फ। गुरु महाराज के अत्यंत गंभीर और सूक्ष्म विचारों को श्रवण करके श्री गोपीनाथ बरदलोई अत्यधिक प्रभावित हुई तथा वे बहुत बार गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनने आते, हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करते तथा त्यागी वेश धारण करके गुरु महाराज के साथ सदैव रहने की इच्छा करते। कांग्रेसी लोग उनसे कहते, यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी स्थिति असम में बहुत ही खराब हो जाएगी। थोड़े समय के बाद ही श्री गोपीनाथ बरदलोई परलोक सिधार गए। समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को मठ में निमंत्रण करने के विषय पर दृष्टिकोण। एक समय चंडीगढ़ श्री चैतन्य गौड़े मठ के वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में गुरु महाराज ने मुझे उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री तथा बाद में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले श्री ज्ञानी जैल सिंह को उसी दिन संध्या के कार्यक्रम के लिए सभापति के रूप में निमंत्रण करने के लिए भेजा। मैं अपने साथ अपने गुरु भ्राता श्री धनंजय दास अधिकारी अर्थात श्री धर्मपाल शेखरी को लेकर श्री ज्ञानी जैल सिंह के कार्यालय में बिना किसी पूर्व अनुमति अपॉइंटमेंट के पहुंचा एवं हमने उनके कार्यालय में अपने आने की सूचना भी नहीं दी थी। जब हम पहुंचे, वे उस समय किसी विशेष मीटिंग में व्यस्त थे। उनके सहायक ने मुझसे कहा, महात्मा जी, आपको श्री ज्ञानी जैल सिंह से भेंट तो करा दूंगा, किंतु उसमें कितना समय लग सकता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, जब आया हूं तो उनसे भेंट करके ही जाऊंगा। मीटिंग समाप्त होने के उपरांत श्री ज्ञानी जैल सिंह हमें अपने कक्ष में ले गए तथा उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अंत में मुझसे कहा, संत जी, दूध छको अर्थात दूध पीकर जाओ। उनके द्वारा पंजाबी भाषा में कही गई बात श्री धर्मपाल प्रभु ने मुझे हिंदी में बतलाई। हम लोगों ने दूध पिया। मैंने श्री ज्ञानी जैल सिंह से कहा, मैं तो आपको अभी अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, कारण मठ में गुरु महाराज तथा अन्य भक्त प्रतीक्षा कर रहे होंगे। श्री ज्ञानी जैल सिंह ने कहा, चलो जी चलो। जब हम मठ में पहुंचे तब हमें ठाकुर जी के समक्ष दंडवत प्रणाम करते देखकर उन्होंने भी ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। 101 रुपए की प्रणामी भी थी। गुरु महाराज ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें सभापति के रूप में वरण किया। श्री ज्ञानी जैल सिंह ने अपने सभापति के भाषण में कहा, आज मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, कारण जब मुझे निमंत्रण किया गया तो मुझे लगा था किसी जलसे वलसे में जाना पड़ेगा, किंतु यहाँ आकर जब महात्माओं के मुख से अध्यात्म की बहुत गंभीर बातें सुनी तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। समारोह के पश्चात उन्होंने मुझसे भी कहा, आपने मुझे यहाँ पर लाकर मेरा बहुत उपकार किया। बाद में मैंने गुरु महाराज से पूछा, आप श्री चैतन्य गौड़े मठ की विभिन्न शाखाओं में बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों को, भले ही वे सिख हों, आर्य समाजी हों अथवा अन्य किसी पंथ को मानने वाले हों, निमंत्रण करते हैं, उन सबको बुलाने के पीछे आपके मन की क्या भावना होती है? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सभापति, प्रधान अतिथि इत्यादि के रूप में निमंत्रित करके उन्हें तथा उन्हें उपलक्ष करके अन्य श्रोताओं को श्री चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध वाणी का श्रवण करा के ये प्रतिष्ठित कराने की अभिलाषा करता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी केवल हिंदू नाम से प्रचलित धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त जैव जगत के लिए है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के सभा में आने पर अन्य सामान्य व्यक्ति भी सभा में बैठने एवं इन सिद्धांतों को श्रवण करने के लिए प्रेरित होंगे। उनको श्रवण करने से सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, देश के लोग लाभान्वित होंगे। जो बुद्धिमान विचार परायण लोग हैं, वे श्रीमद् महाप्रभु की वाणी को सुनकर उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गौड़ीय मठ के भक्तों के थोड़े ही संघ से अद्वैतवाद से श्रीमद् महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेदवाद की ओर आकर्षित हुए। वे श्री चैतन्य मठ के कोलकाता रिसर्च इंस्टीट्यूट
तथा श्री भक्ति हृदय वन महाराज के द्वारा संस्थापित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में भी आकर सम्मिलित हुए। राजस्थान में रहने वाले एक प्रसिद्ध धनाढ्य उच्च शिक्षित व्यक्ति श्री एटी गांगुली दो बार मठ में आने के पश्चात यहाँ के भक्तों के मुख से तर्क और युक्तिपूर्ण विचार श्रवण कर कर्मकांड का त्याग कर भक्ति में लग गए। आर्य समाजी उपकुलपति श्री सूरज भान शर्मा भी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में चेतनवादी सनातन धर्म में अग्नि को चेतन देवता मानकर यज्ञ के माध्यम से अन्य अन्य चेतन देवताओं को आहुति पहुंचा देना की बात को सुनकर गौड़ीय मठ की ओर आकर्षित हुए। चेतन जीव तथा परम चेतन भगवान के परस्पर संबंध की वास्तविक विचारधारा को श्रवण कर समस्त जगतवासी ही परम मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं सभी को उसी वाणी का श्रवण कराने हेतु उन्हें अत्यधिक उत्साहपूर्वक आह्वान करता हूँ। सामान्य मर्यादा देकर अपना मत उन्हें श्रवण कराता हूँ। सौभाग्यवान होंगे तो उसे अवश्य ही धारण कर पाएंगे। इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की मान देन अर्थात सभी को सम्मान देने रूपी वाणी का भी पालन हो जाता है। यदि उद्देश्य सही हो तो किसी को भी बुलाना, उनसे मिलना इत्यादि सब सही होता है। हम इन्हें इनसे इसी प्रकार से लाभान्वित होने की आशा से नहीं, बल्कि इनके तथा इनसे संबंधित व्यक्तियों के वास्तविक परमार्थिक परम लाभ के लिए ही इन्हें बुलाते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने महाराज श्री प्रताप रुद्र के राजा होने के कारण उनसे नहीं मिलने की लीला के माध्यम से यही प्रदर्शित किया है कि भक्तों को राजा एवं राजनेताओं से अपने लाभ के लिए भेंट नहीं करनी चाहिए, तथापि उनके लाभ के लिए उन्हें भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए उनसे भेंट करने में निषेध नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने बाद में राजा प्रताप रुद्र के परमार्थिक लाभ के लिए उन पर कृपा कर इस तथ्य को प्रदर्शित किया। शास्त्रों में वर्णन आता है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिघासोपेर भव सागरस्य संदर्शनम विषयनाम अथ योषितांच हंत हंत विष भक्षणो अतु अप्य साधु श्री चैतन्य चंदोद्राय नाटक 8:24। हाय, जिसकी भवसागर से पार होने की संपूर्ण रूप से इच्छा है, ऐसे भगवत भजन उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों के लिए विषय दर्शन और स्त्री दर्शन विष खाने की उपेक्षा भी बुरा है। श्री माधवेन्द्रपुरी पाद ने किसी से भी कुछ भी नहीं मांगने की एवं विषयी लोगों से ना मिलने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु जब गोपाल ने विशेष रूप से साक्षात सेवा के लिए कहा, ना कि आरोपित सेवा अर्थात अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा के लिए, तब श्रीला माधवेन्द्रपुरी पाद श्री जगन्नाथपुरी में बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों से मिले तथा उनसे भगवान की सेवा में योगदान देने के लिए कहा। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की तथा उनकी ये क्रिया कदापि दोषपूर्ण नहीं थी। इसी प्रकार हमें श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा आदेशित साक्षात सेवा को करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 7:128। जिस किसी से भी तुम्हारी भेंट हो उसे श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने के लिए कहो। भगवान ने इस विषय में और आश्वासन दिया है, कबू न बादिबे तोमार विषय तरंग, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 7:129। यदि तुम शुद्ध रूप से साक्षात सेवा करोगे तो विषय तुम्हें कभी भी नहीं बांध पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु के निर्देशों का पालन करना ही वास्तविक साक्षात सेवा है, तथा हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि इस आदेश का पालन करके हम श्रीमन महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रूप से प्रारंभ में मिलने से मना करने की लीला द्वारा प्रदत्त शिक्षा के सार का अनादर कर रहे हैं। साधु के सुदुराचार पूर्ण व्यवहार के प्रति शास्त्र उचित दृष्टिकोण। सिलचर असम में विद्युत की आपूर्ति करने वाली कंपनी के मालिक श्री वरदा प्रसाद ने एक समय
अपने बंगले के सभा भवन में गुरु महाराज की कथा का आयोजन किया था। वहां पर सभा में उपस्थित एक वकील ने कागज के टुकड़े पर एक प्रश्न लिखकर मेरे हाथ में दिया एवं उसे गुरु महाराज तक पहुंचाने के लिए कहा। उपयुक्त समय देखकर मैंने उस कागज को गुरु महाराज की मेज पर रखा। उसे पढ़ने के साथ ही गुरु महाराज ने सर्वप्रथम उस पर लिखे प्रश्न को पढ़ते हुए कहा, निम्नलिखित श्लोक के अर्थ को समझना बहुत कठिन है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। श्रीमद् भगवद गीता 9:30। यदि सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चय आत्मिका बुद्धि वाला है। इस श्लोक को पढ़कर यह नहीं समझ आता कि साधु दुराचार युक्त कैसे हो सकता है। इतना पढ़कर गुरु महाराज ने अपने निकट रखे पंखे का बटन दबाकर उसे यह सुनिश्चित कर बंद कर दिया कि सभी ने इस बात की ओर ध्यान दिया। फिर गुरु महाराज ने उन्हीं वकील से पूछा, यह पंखा बटन बंद कर देने पर भी घूम क्यों रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, पूर्व गति के बल से, परंतु अब बंद कर देने पर थोड़ी देर घूमने के बाद स्वयं ही रुक जाएगा। गुरु महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा अनन्य चित होने के कारण सुदुराचार को संपूर्ण रूप से त्याग देने पर भी पूर्व संस्कार एवं अभ्यास वशता उसमें कुछ समय तक कुछ अवांछनीय व्यवहार लक्षित होता रह सकता है, किंतु उसे साधु ही मानना होगा। कारण उसके पश्चात भगवद गीता का अगला श्लोक कहता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व छन्ति निगच्छति कौन्तेहा प्रति जानिहि नामे भक्तः प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता 9:31। वे शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, ये प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। अर्थात यदि वे कृष्ण के प्रति अनन्य चित है, यद्यपि अभ्यास वशता उसमें सुदुराचार दिखलाई पड़ता है, किंतु अति शीघ्र ही वह धर्मात्मा अर्थात पुरातन अभ्यास रहित हो जाएगा। धाम परिक्रमा का वास्तविक लाभ। 1956 ई में ब्रजमंडल परिक्रमा के समय मेरे परम आराध्यतम गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज श्री आदि केशव देव जी के सम्मुख एक बंगाली कीर्तन गा रहे थे। ओहो ब्रजवासी तोरा बोले देव कोथा गेले कृष्ण पावो। हे ब्रजवासी गण, कृपा आप ही मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। वहां उपस्थित अधिकतर भक्तगण उत्तर भारतीय थे एवं बंगाली कीर्तन का अर्थ समझ पाने में असमर्थ थे। तथापि गुरु महाराज की हृदय स्पर्शी अति मधुर ध्वनि को सुनकर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मैंने भी उससे पूर्व कीर्तन के समय कभी नित्य नहीं किया था, परंतु उस कीर्तन में कुछ ऐसी शक्ति थी कि तनिक भी इच्छा के संपूर्ण अभाव एवं बिना किसी प्रयास के मेरे पांव स्वयं थिरकने लगे एवं मैं आनंद पूर्वक नित्य में संलग्न हो गया, मानो कोई बाह्य शक्ति मुझे नित्य करने हेतु बाधित कर रही हो। जब गुरु महाराज का कीर्तन समाप्त हुआ तब मित्रानी नामक जगाद्री निवासी एक माता जी श्रील प्रभुपाद जी के चरण आश्रित श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज के पास आई एवं कहने लगी, क्या आप कृपा पूर्वक मुझे गुरु महाराज द्वारा गाए उस कीर्तन का अर्थ बता सकते हैं? जब श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज ने उस कीर्तन का अर्थ बताया तब वह बोली, कीर्तन श्रवण के समय हमें जिस दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था, अब उसका अर्थ जानने के पश्चात भी वैसे दिव्य आनंद हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? उस समय मैंने उन माताजी से पूछा, माताजी, यदि आपको कीर्तन का अर्थ ही नहीं पता था तब आप कीर्तन के समय रो क्यों रही थी? उन्होंने उत्तर दिया,
वास्तव में मुझे भी यह पता नहीं। कीर्तन का श्रवण करने मात्र से ही मेरी आँखों से अति स्वाभाविक एवं अकृत्रिम रूप से अश्रु स्वतः ही प्रवाहित होने लगे। मैंने गुरु महाराज के द्वारा पूर्व में उक्त कुछ एक वचनों का स्मरण करते हुए मित्रानी माता जी से कहा, श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के वशीभूत उनके प्रणयी भक्त उनके दर्शन के अभाव में अपने हृदय में विरह वेदना का अनुभव करते हैं। यदि हमें ऐसे प्रणयी भक्तों के संग एवं अनुगत्य में पूर्ण निष्ठापूर्वक परिक्रमा करते हैं, तब हम उनके हृदय के उपस्थित वह विरह अग्नि निश्चित रूप से हमें भी स्पर्श करेगी। परंतु अपराकृत भगवत प्रेम से रहित हृदय वाले व्यक्तियों के संग में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए इस प्रकार के दिव्य विरह की अनुभूति कदापि संभव नहीं है। जब एक माता अपने पुत्र को खो देती है, तब उसके हृदय में उपस्थित पीड़ा एवं वेदना का अनुभव प्रत्येक निकटस्थ व्यक्ति को स्पष्ट रूप से होता है। उसकी आंखों से निरंतर बहने वाली आंसुओं को देखकर दूसरे व्यक्ति भी उसकी पीड़ा से द्रवीभूत होते हैं तथा उनकी आंखें भी नम हो उठती हैं। परंतु यदि एक अविवाहिता महिला जिसका कोई पुत्र नहीं है जोर से चिल्लाते हुए तथा वेदना प्रकाशित करते हुए ये कहती है, मेरा पुत्र मर गया, तो चाहे वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से उच्च स्वर में क्रंदन भी करे, परंतु उसके इस कृत्रिम भाव प्रकाश का उन पर जो उसकी वास्तविकता से परिचित हैं कोई प्रभाव नहीं होगा तथा उससे परिचित नहीं भी हैं उन पर भी केवल कुछ क्षणिक अस्थायी प्रभाव ही संभव है। इसी प्रकार परिक्रमा करने का वास्तविक फल अर्थात श्री हरि एवं उनकी लीला स्थलियों के प्रति निष्ठा एवं आसक्ति सामान्य भक्तों के संग से कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। साधारण भक्तों के संग में परिक्रमा करने वाले किसी किसी श्रद्धालु में भगवत वीरानुभूति वाले भावों का प्रकाश दिखाई पड़ने पर भी वे ऐसे भावों का अस्थाई बाह्य आभास मात्र है, पूर्णता अपराकृत एवं चिरस्थाई कदापि नहीं। किसी चलचित्र में अभिनेताओं के भावुक अभिनय का दर्शन कर कुछ क्षणों के लिए तो दर्शक स्वयं भाव विभोर हो सकते हैं, परंतु जैसे ही कथा का अंत होता है ये भाव ही क्षीण प्राय होते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान एवं उनकी लीला स्थलियों के प्रति विशिष्ट प्रणय रहित हृदय वाले भक्तों के संग में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के हृदय में उदित होने वाले भाव प्राय भी कुछ समय में ही लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के संग में केवल मात्र कुछ पुण्य तो अवश्य अर्जित होते हैं, परंतु भक्ते उन्मुखी सुकृति कदापि नहीं। तब फिर प्रणय के उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं, जो कि परिक्रमा करने का मूल फल है तथा प्रणय भक्तों के सानिध्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका 2-5 में लिखा है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, अर्थात तीर्थ आदि स्थलों का भ्रमण दर्शन आदि के लिए किया जाने वाला श्रम मन के भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थ यह है कि यह विचार करना कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर कोई परमार्थिक लाभ प्राप्त होता है केवल मात्र मन का भ्रम है। यह कथन सुनकर कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता है कि धाम परिक्रमा करना सर्वदा निरर्थक है, परंतु श्रीमद् भागवतम 9:4-20 में श्री अम्बरीश महाराज की स्तुति करते हुए कि किस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त किया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, पादो हरे हे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अर्थात उन्होंने अपने चरणों को श्री हरि की लीला स्थलियों का भ्रमण करने में नियुक्त किया। हम श्री धाम परिक्रमा के विषय में इन दो परस्पर विपरीत प्रतीत होने वाले विचारों का सामंजस्य किस प्रकार कर सकते हैं। श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के उपरोक्त कथन का वास्तविक अर्थ प्रकाशित किया है तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोक से उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है,
गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि गोवामी प्रणय भकत संगे। शरणागति 6:3:3। जिन जिन स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु ने अत्यंत उल्लासपूर्वक भ्रमण किया है उनके प्रणय भक्तों के संग में मैं उस प्रत्येक स्थान का दर्शन करूंगा। परिक्रमा का मूल उद्देश्य भक्ति पद पर क्रमशः उन्नति करना तथा श्री भगवत लीला स्थलियों के प्रति निष्ठा एवं आसक्ति लाभ करना है। यह आसक्ति विशुद्ध भगवत प्रेम को हृदय में धारण करने वाले प्रणय भक्तों के हृदय से ही उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों के हृदय में स्फुरित होती है। अतएव ऐसे विशुद्ध भक्तों के संग एवं अनुगत्य में धाम परिक्रमा करने से ही उसका यथार्थ फल साधित होता है।